मूवी के स्टार्ट सीन में हम एक टेड नाम के लड़के को देखते हैं जिसके पास एक नैन्सी नाम का डॉग भी होता है। तभी टेड के पास एक पादरी आ जाता है जहां हम देखते हैं कि टेड की मन की बात पादरी सुन पा रहा होता है और टेड और पादरी के सिर के पास एक अजीब सा इल्यूशन हो रहा होता है और ये इल्यूशन ही मन की बात को कहता है, जहाँ पादरी टेड को गालियाँ निकालता है। फिर हम टेड को देखते हैं जो कि अपने टाउन में पहुँच चुका होता है। फिर हम रोनी को देखते हैं जो कि टाउन के मेयर का बेटा होता है और वो भी टेड का मजाक उड़ा रहा होता है, जिस कारण टेड उसे पंच मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। जब रोनी उसे वापस मारने लगता है तभी वहाँ मेयर आ जाता है और उन दोनों को रोक लेता है। तभी टेड वहाँ से अपने घर जाने लगता है, जहाँ हम उसके फादर को देखते हैं और उसके साथ उसके अंकल भी होते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं और टेड भी उनके साथ खाना खा रहा होता है। फिर टेड सोने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि टेड की मन की बात जो वो मन में सोच रहा होता है वो उसके फादर सुन रहे होते हैं। तभी हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट होते हैं और वो किसी दूसरे ग्रह पर लैंड होने लगते हैं, लेकिन उनकी स्पेसशिप कंट्रोल खो देती है और वो एक लोकेशन पर जा गिरती है। फिर हम टेड और उसके फादर और उसके अंकल को देखते हैं जो कि खेती कर रहे होते हैं। तभी टेड को एक लड़की दिखाई देती है जो कि टेड के घर का खाना लेकर भाग रही होती है। टेड भी उसका पीछा करता है, जहाँ पीछा करते करते हुए टेड उस स्पेसशिप तक पहुँच जाता है और उसे देख टेड ये बात मेयर को बताने के लिए जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि टेड की मन की बात सभी सुन रहे होते हैं और टेड भी उन सबकी मन की बात सुन पा रहा होता है। फिर मेयर उस स्पेसशिप के पास जाता है जहाँ मेयर टेड से पूछता है कि वो कैसा दिखता था। टेड कहता है कि वो एक लड़की थी और वो भाग रही थी, जिस कारण मैं उसका फेस नहीं देख पाया। फिर टेड और सभी लोग उस लड़की को ढूंढने लगते हैं और टेड उस लड़की को देख लेता है। फिर हमें ये बात पता चलती है कि टेड ने पहली बार किसी लड़की को देखा होता है और टेड को पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन टेड की मन की बात उसे सुनाई दे रही होती है और वो उन मन की बातों से डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन मेयर उसे अपने मैजिक से पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की को मेयर के हाउस में देखते हैं। मेयर उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन से प्लेनेट से आ रही हो। तभी वो बोलती है कि मेरा जन्म स्पेसशिप में ही हुआ था, जहां व्यूवर्स को पता चलता है कि जिस ग्रह पर मेयर और रहते थे वो अर्थ यानी पृथ्वी नहीं थी, वो कोई दूसरा एक ग्रह था और पृथ्वी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और पृथ्वी से काफ़ी सारे स्पेसशिप आए और वो सभी जीवन की तलाश में ब्रह्मांड में दूसरे ग्रह पर रुक गए, लेकिन हमारी स्पेसशिप इस ग्रह पर आ गई है। फिर लड़की बोलती है कि अगर मैं मेरी स्पेसशिप से उन सब से संपर्क कर लूँ तो वो मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। फिर मेयर बाहर चला जाता है और अपने बेटे रोनी को गोयला के पास छोड़ जाता है। फिर रोनी गोयला का बैग चेक करता है, जहाँ रोनी को एक सेल्फ डिस्ट्रैक्ट गन मिलती है। रोनी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है और वो उस गन को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण वहाँ काफ़ी सारी गोलियाँ चलने लगती है और मेयर जब वहाँ आता है तो गोयला वहाँ से भाग जाती है और मेयर के घर के नीचे जाके छुप जाती है, जहाँ पर गोयला मेयर की बातें सुनती है। मेयर बोलता है कि अगर वो लड़की अपने साथियों को सिग्नल कर देगी तो उसे बचाने के लिए एक स्पेसशिप जरूर आएगी और हम सभी उस स्पेसशिप पर बैठकर वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर पृथ्वी के लोग रहते हैं और हम अपने जादू से उन सब पर राज करेंगे। गोयला इस बात को सुन लेती है। फिर मेयर भी गोयला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वहाँ पर टेड आता है और गोयला का बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है और अपने घर चला जाता है और गोयला का बैग देखता है, जहाँ पर उसे काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। फिर वो देखता है कि उसी जगह पर भी गोयला छिपी हुई है। टेड उससे प्यार करता था इसलिए वो उसे वहीं छिपा देता है। तभी मेयर का एक आदमी वहाँ आ जाता है और टेड को उसके लड़की के बारे में पूछने लगता है और टेड काफ़ी मुश्किल से अपने मन की बात को कंट्रोल करता है और उसके कंट्रोल करने के कारण उसके फादर समझ जाते हैं और वो तीनों उस लड़की से मिलते हैं। फिर टेड को उसके फादर रूम में ले जाते हैं। गोयला बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। फिर टेड और उसके फादर और अंकल उससे मेयर को वापस देने के लिए कहते हैं, लेकिन टेड को उससे प्यार हो गया था और वो मना कर देता है। फिर टेड के फादर उसे नक्शे में एक लोकेशन बताते हैं और कहते हैं कि ये लड़की और तुम यहाँ पर एकदम सुरक्षित रहोगे। फिर टेड उस लोकेशन के लिए रवाना हो जाता है और वहाँ पर मेयर आ जाता है। फिर गोयला भी ऑलमोस्ट उस बाइक को स्टार्ट कर चुकी होती है, जहाँ मेयर
टेड की मन की बात सुन लेता है और मेयर उस लड़की को लेने के लिए जाता है, लेकिन गोयला बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाती है और टेड भी उसके पीछे जाने लगता है। मेयर टेड को शूट करने वाला होता है, लेकिन टेड के अंकल टेड को बचा लेते हैं और रॉनी टेड के अंकल को ही शूट कर देता है। टेड और गोयला दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो दोनों खाई में जाकर गिर जाते हैं, जहाँ गोयला की बाइक टूट जाती है और टेड की घोड़े की टांग भी टूट जाती है। उस घोड़े को काफ़ी दर्द हो रहा था, जिस कारण टेड उसका गला काट देता है। फिर टेड गोयला के पास जाता है और टेड गोयला को कहता है कि हमें इस लोकेशन के बारे में जाना चाहिए, और गोयला भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मेयर टेड के फादर को बार बार पूछ रहा होता है कि टेड कहाँ गया है। टेड के फादर अपने मन की बात को काफ़ी कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन उसके मन की बात मेयर पढ़ लेता है और मेयर को उस लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ टेड केवल गोयला के बारे में ही सोच रहा होता है और गोयला उन सभी बातों को सुन रही होती है। दूसरी तरफ मेयर काफ़ी सारी गन्स और बॉम्ब निकाल रहा होता है, क्योंकि वो उस लड़की को पकड़कर उसके साथियों को बुलाना चाहता था और उन्हीं के स्पेसशिप पर बैठकर उनके ही लोगों पर राज करना चाहता था। जहां हमें पता चलता है कि टेड के टाउन में केवल मेयर ही अपनी मन की बात को कंट्रोल कर सकता है। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जहां टेड मछली पकड़ने के लिए जाता है, फिर वो उस मछली को पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोयला के पास फायर बॉक्स होता है जिससे वो आग जलाती है। फिर वो दोनों मछली पकाकर खाना खाने लगते हैं, जहां टेड गोयला को बताता है कि इस पैरल नाम के एलियन ने हम पर हमला किया और हमारे टाउन के सभी औरतों को मार दिया, और जब से लेकर आज तक मैंने एक भी औरत या लड़की को नहीं देखा। हम व्यूवर्स को ये बात भी पता चलती है कि टेड की दुनिया में रात ही नहीं होती, वहाँ बारिश होने लगती है जहाँ वो दोनों किस करते हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये टेड का ही इल्यूशन था और गोयला भी उसे देख रही होती है, जिस कारण टेड काफ़ी शर्मिंदा होता है और वो गोयला से दूर जाकर सो जाता है। फिर गोयला बारिश के ख़त्म होने के बाद टेड को उठाने जाती है, जहाँ भी टेड गोयला के ही सपने देख रहा होता है। फिर वो दोनों उठ जाते हैं और चलने लगते हैं, जहाँ उन्हें स्पेरल एलियन का इलाका देखते हैं और वो भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें एक एलियन देख लेता है और टेड और एलियन में फाइट होती है। टेड उस एलियन को मारने ही वाला होता है, लेकिन गोयला उसे रोक देती है और वो स्पेरल भी वहाँ से चला जाता है। एंड फाइनली वो उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है। फिर वो उस टाउन के मेयर के पास जाता है और वो मेयर एक लड़की होती है और मेयर उसे रहने के लिए अनुमति दे देती है। फिर हम टेड के टाउन वालों को देखते हैं जो कि टेड वाली लोकेशन पर जा रहे होते हैं, जहां टेड और गोयला खाना खाते हैं। फिर टेड को वहां नींद नहीं आ रही होती है और वो अपने सामान को चेक करता है, जहां उसे एक बुक मिलती है। वो उस बुक को लेकर गोयला के पास जाता है, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था, जहां गोयला उस बुक को पढ़ती है, जहां हमें पता चलता है कि टेड की टाउन की औरतों को स्पेरल एलियन ने नहीं मारा होता है, बल्कि मेयर ने मारा था, क्योंकि मेयर और टाउन के लोगों को ये बात पसंद नहीं थी कि केवल उन्हीं की मन की आवाज़ औरतों को पता चले, और आदमी औरतों के मन की बात को सुन नहीं पाते थे, जिस कारण सभी ने परेशान होकर अपनी अपनी वाइफ को ही मार डाला। टेड अपनी माँ की डेथ के बारे में सुनकर काफ़ी परेशान होता है, तभी वहाँ पर वो बुरा मेयर भी आ जाता है, लेकिन टेड और गोयला वहाँ से भाग जाते हैं और एक नाव में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो पादरी उनका पीछा करते हुए वहाँ भी आ जाता है और वो पानी में जाकर जंप कर देता है, लेकिन टेड और गोयला भाग जाते हैं, लेकिन पादरी टेड के डॉग को ही मार देता है। फिर वो दोनों एक किनारे पर जा रुकते हैं, जहाँ पर टेड नाराज़ होता है क्योंकि उसका डॉग मर चुका होता है और गोयला उसे खुश करने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो मेयर भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है, लेकिन वो आगे चले गए होते हैं। फिर गोयला और टेड को काफ़ी एक पुरानी स्पेसशिप दिखाई देती है, फिर वो उसके अंदर जाते हैं, जहाँ गोयला उसे बताती है कि अगर ये सिग्नल एक्टिवेट हो गया तो मुझे लेने के लिए दूसरी स्पेसशिप आ जाएगी, लेकिन इसका सिग्नल टूटा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं कि मेयर भी वहाँ आ चुका होता है। दूसरी तरफ टेड ऊपर चढ़कर उस सिग्नल को एक्टिवेट कर देता है। फिर हम मेयर को देखते हैं जो कि टेड के फादर को बंदी बनाए हुए होते हैं, तभी टेड वहाँ आता है और मेयर टेड के फादर को शूट कर देता है, तभी टेड मेयर को मारने लगता है और मेयर टेड के हैंड पर भी शूट कर देता है, जिस कारण उसका काफ़ी सारा खून निकलता है
मेयर टेड को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेयर को उसकी वाइफ दिखाई देती है जो मेयर को बुजदिल कह रही होती है, और काफ़ी सारी औरतें वहाँ आ जाती है, और यह सभी टेड का ही इल्यूशन होता है। तभी गोयला आकर मेयर को नीचे फेंक देती है और मेयर की डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेड जिंदा है और उसे नए ग्रह पर लाया गया है, और उसके पास गोयला भी बैठी हुई है, और गोयला टेड से कहती है कि नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।